ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है ना, तो आते हैं बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम या अगर जो ये बातें हो रही हैं, हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखें, क्या सपोज कोई पॉइंट पी है और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, तो अगर Q1 है तो ये इस तरीके से E1 हम लिख सकते हैं। हाँ, सिमिलरली अगर Q2 है तो आप इसको E2 लिख सकते हैं। हाँ, इधर इधर किधर भी सिमिलरली हम लोगों ने ऐसे E3, आई मीन मैं सुपर पोजिशन को एक बार और लिखा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हाँ पी पर, तो वो तो आपका यही आता है E1, E2, हाँ E3, बिल्कुल हाँ, इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे। नाउ अगर आप इसी को लिखोगे तो ये भी आ जाएगा कि Q1 बाई R1 का स्क्वायर और R1 यूनिट वेक्टर, या आप के Q2 बाई R2 का क्यूब और R2 वेक्टर। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा समझते हुए लिख सकते हैं। इधर यूनिट वेक्टर लिखिए तो R स्क्वायर, ये दोनों ही टर्म सही हैं, मतलब वेक्टरली ऐड करेंगे। ना दिखाओ, यहाँ तक जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारा है डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का, समझे, ये आपका डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए। हाँ, नाउ अगर आप इसी पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे भी लिख रहे हैं हाँ, और इसी चीज को आप इस तरीके से लिख लीजिए, समझ रहे हैं। इनफैक्ट ये एक वेक्टर रिलेशन है और बिल्कुल आप वेक्टरली ऐड करिए। हाँ जी, और अगर आप ऐसे कर देते हैं तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसी से तो ये सब लिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कर लीजिए, यही लेना, मतलब जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं हाँ स्मॉल एलिमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए और बिल्कुल वेक्टर एडिशन होता है। नाउ अगर आप चाहते हैं तो केवल एक्स वाला लिखिए, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई वाला हम यूज़ करेंगे, वाई कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। और इस तरीके से अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की ही बात हो रही है तो हम केवल उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पर फोकस करके लिख सकते हैं। ओके, नाउ सो कमिंग टू द एप्लीकेशन, है ना। सो और कुछ नहीं है, यही हमारे लिए जो है आपका काम हो गया, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है। ओके, चलिए कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग बात करते हैं। यस, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हाँ, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए, वैसे तो ये बहुत सारे लोग जो हैं आप इसको इस तरीके से ही यूज कर सकते हैं, क्या कि अगर हम लोगों ने एक सर्कल ले रखा है, समझ रहे हैं, और अगर आप इसका जो भी रेडियस मान रहे हैं आर, और ये लैम्डा दे रखा है हाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चलिए मैं इसको ओ मानता हूँ, तो आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये कैसे हम कर पाएंगे। एक तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एलिमेंट लीजिए, एलिमेंट लेंगे तो देखो, चलिए बाइसिमेट्री भी अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं, तो अगर आप कहीं पर भी कोई भी अगर एलिमेंट आप लेते हैं हाँ, नॉर्मली हम लोग थीटा पर जाकर और डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं, तो अगर आप ये एलिमेंट लेंगे तो इसको अगर मैं लिख रहा हूँ वट एवर दिस डी क्यू हाँ, तो उसकी वजह से जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हाँ, तो आप इसको लिख सकते हो डी ई हाँ। तो आप ध्यान रखिए, जैसा एलिमेंट उधर है वैसा ही एलिमेंट इधर भी है, आई मीन बोलूँ कि ऐसा अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो एक बिल्कुल सिमेट्रिकल आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा ये और ये, और ये जो डी क्यू है हाँ, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर
तो देखिए बाईसिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आपका जीरो आएगा, समझ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप जैसा एलिमेंट आप यहाँ पर कंसीडर करोगे, हाँ बिल्कुल ऑपोजिट में वैसा ही एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हाँ। और इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जीरो आ जाएगा। तो आप सॉल्यूशन देखिए दो तरीके हैं, एक तो डेरिवेशन करके भी हम लोग बताएंगे और वो डेरिवेशन भी हम करेंगे, है ना। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि बाईसिमेट्री आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्या बोलोगे, एट सेंटर ना, हाँ। तो एट सेंटर जो आएगा वो आपका जीरो आएगा और हम लोग फिलहाल लिख रहे हैं बाईसिमेट्री, हाँ। तो बाईसिमेट्री ही हम लोगों ने इतना लिखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। नाउ अगला स्टेप जो आएगा हम लोग करने वाले हैं उससे आप इसको बकायदा इंटीग्रेट करके और डेराइव कर सकते हैं। एनीवे इस केस में हम लोग डेरिवेशन नहीं यूज करेंगे, है ना। सो आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल या केस पे, हाँ जी। आप जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेमी सर्कुलर चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हाँ, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एनीवे जो अभी दे रखा है वो है तो पिछला वाला ही क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो बात हो रही है वो आपको फिलहाल बोल रहे हैं, हाँ, क्या अगर हम सेंटर बांधते हैं इसको ओ को, तो ये अगेन लैम्डा एंड आर दे रखा है, हाँ जी, रेडियस और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो थोड़ा हम लोग उस पर और डिटेल से बात करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सेंटर पर पूछा है तो क्या करेंगे, फिर से क्या होता है कि अगर हमें इसमें एलिमेंट लेना पड़े तो ध्यान से सर्कुलर एलिमेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि डिस्टेंस को हम लोग फिक्स रखते हैं और एंगल आई मीन थीटा पर जाकर डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं, हाँ। और ये जो हमारा डी क्यू बन रहा है, बिल्कुल जो लास्ट बार भी हमने समझाया था, तो ये डी क्यू जो बन रहा है इसकी वजह से हम लोग सेंटर पर लिखते हैं। तो सेंटर पर लिखेंगे तो बिल्कुल ये रहा हमारा डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। Now, तो ये डी थीटा तो बहुत ही स्मॉल है तो ये एंगल भी अपना क्या है थीटा ना। अब अगर आप बात करेंगे ना तो देखिए ऐसा ही कर लेते हैं, क्या हम लोग एक्स वाई और इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो आ जाएगा आपका इसके अलोंग, हाँ, और एक आ जाएगा आपका इसके अलोंग। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये डी ई एंड हाँ थीटा है तो इधर ही ये कॉस थीटा और इधर लिखेंगे तो डी ई एंड व्हाट साइन थीटा। देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दो कंपोनेंट हमने कर रहा है, एक तो डायमीटर के एलोंग, हाँ, जो भी कनेक्टिंग डायमीटर बन रहा है अभी सेमी सर्कल का, एंड दूसरा उसके क्या है परपेंडिकुलर। नाउ तो जब हम बात करेंगे तो आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ। तो हम लोगों को जो लिखना है ना इसको चलिए हम लोग ई वाई बोल देते हैं, ई वाई क्या होगा इसको पूरा ऐड करके, हाँ। तो अगर हम लोग ई वाई लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका डी ई एंड साइन थीटा, बिल्कुल, हाँ। और अगर आप इसको लिखोगे तो हम यहीं पर लिख देते हैं, ये आप एक्स लिख लो, हाँ जी, जैसा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मानते हुए, ठीक है ना। तो एनीवे आप इन दोनों को कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड अगर हम लोग डीई की बात करेंगे तो ये के जो भी चार्ज है और जो डिस्टेंस है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर का काम हम लोगों ने कर ही रखा है, हाँ ना। देखो एक बात बोल सकते हैं, क्या आप अगर इस पर फोकस करेंगे तो देखिए जैसा एलिमेंट इधर है वैसा ही एलिमेंट आपका इधर भी बनने वाला है, हाँ। और अगर आप लिखोगे तो इसकी वजह से भी इधर ये डी ई आएगा, बिल्कुल। और अगर आप इसके कंपोनेंट पे जाएंगे तो एक अगेन
हाँ, along the diameter और एक उसके perpendicular. तो देखो ultimately अगर आप इसको integrate करेंगे तो ये आने वाला zero है, symmetry से ये और ये cancel. Now, anyway, E वाला part जो है आपका add होगा और answer जो आएगा वो केवल EY ही आएगा. वैसे भी ये आने वाला आपका क्या है, zero by symmetry. अभी ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट करके भी प्रूफ कर देंगे. आगे बढ़े तो देखिए dQ, हाँ तो अब बात ऐसा है कि लैम्डा जो होता है, या हम लोग अगर लिखें तो dQ की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे लैम्डा इनटू जो भी dS, हाँ वट एवर दिस dS इज. तो dS तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ तो dS लिखिए और dS की जो वैल्यू है वो r एंड वॉट d थीटा, हाँ r d थीटा. तो आप लिख लो इसको लैम्डा इज अगेन ये r एंड वॉट d थीटा. आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए चार्ज लिखने में, चार्ज एलिमेंट वेयर लैम्डा जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया ही है. तो हम लोग अगर लिखें दिस एम्प्लाइज की ई वाई, हाँ जी तो लिखते हैं ई वाई इज, चलिए एक बार यही लिखते हैं डी ई एंड साइन थीटा एंड डी इज q upon r square and this is sin theta and ये k lambda, हाँ into ds sin theta upon r square, हाँ जी and जो constant है आप उसको बाहर निकाल सकते हैं बिल्कुल upon r square, हाँ जी यही आपका इंटीग्रेबल है और इसी को आप इंटीग्रेट करिए थीटा के वैल्यू जीरो से लेकर कहां पाई. देखिए एक बार थीटा की वैल्यू यहां पर थीटा इनिशियल जीरो और थीटा फाइनल कितना पाई, हाँ तो हम लोग इनिशियल से फाइनल जो है लिमिट जो है वो हमारा हाँ जीरो से कहां पाई. Now, अगर आप इस तरीके से EY लिख रहे हैं, हाँ, तो ये K lambda by R, K lambda, एक R तो कैंसिल हो रहा है, हाँ, और sin theta का इंटीग्रेशन, हाँ जी, minus cos theta, बिल्कुल, हाँ, K lambda by R, माइनस है तो माइनस कर ही लीजिए बाहर ही निकाल लेते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस एंड कॉस कितना जीरो, हाँ तो मेरे ख्याल से ये इंटीग्रेशन में तो कोई इशू आना नहीं चाहिए, ऐसा कोई टिपिकल सा है भी नहीं. एंड दिस वैल्यू, हाँ जी यही इनफैक्ट ई वाई ही आपका ई ओ होगा और ये के लैम्डा बाई आर, टू के लैम्डा बाई आर, हाँ जी x वाला जीरो जो होगा ये यही होगा. या आप इसको बढ़िया रहेगा कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम लोग याद रखेंगे, हाँ परपेंडिकुलर टू किसके डाया, है ना अगर आप लिखोगे तो परपेंडिकुलर टू डाया तो ये बचता है और यही इतना आना है, हाँ बिल्कुल. Now, इसी चीज को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे हाँ जीरो से पाई तो ये जीरो आ जाएगा, हाँ कॉस थीटा बचेगा, आप देख लो इसमें जो आ रहा है साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा, देखिए इसमें जो है साइन थीटा है तो अगले वाले में क्या आएगा कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन कॉस थीटा है तो उसका इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन पाई भी जीरो, जीरो भी जीरो, तो ये एक्स वाला जीरो. हाँ ना मैं बोल रहा था कि अगर सर्कल का पूरा अगर आपको करना है, मतलब ये वाला कंपोनेंट भी जीरो से टू पाई और एक्स वाला भी, तो आप दोनों करोगे तो जीरो से टू पाई मतलब पूरा सर्कल का ये भी जीरो आएगा, साइन का भी और कॉस का भी इंटीग्रेशन. तो आप वैसे प्रूफ भी कर सकते हो, हाँ मैथमेटिकली डिस्क का सॉरी रिंग का, कंप्लीट रिंग का है ना, तो वो जीरो आ जाता है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट में सिमेट्रिकली प्रूफ करा था या बोला था. हाँ ओके सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल, हाँ जिसका अपने को चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है और रेडियस आर दे रखा है. नाउ इसका एक दो और वेरिएशन देखिए, अगर आपको इस तरीके से दे दे
हाँ जी, क्वार्टर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्वार्टर रिंग हैविंग, बिल्कुल आप इस चीज को लैम्डा और आर को स्टैंडर्ड डेटा समझिए, क्या ये इस तरीके से बात हो रही है? हाँ जी, ये लैम्डा एंड आर दिया है तो हमें इस पे बताना है। देखिए, एक तो तरीका ये जरूर है कि आप लोगों को जो अभी अभी हम लोगों ने बताया, क्या कि आप इंटीग्रेट कर दीजिए। हाँ, और इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो एक्स वाला और वाई वाला दोनों का जो भी होगा, जीरो से पाई बाई टू और जीरो से पाई बाई टू कर देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? मैं बोल रहा हूं कि दूसरा तरीका, अगर मैं बात करूं, क्या दूसरा तरीका कि हम सिमेट्री या थोड़ा शॉर्टकट या लॉजिकली इसको निकालने की बात कर रहे हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? देखो, एक तो इंटीग्रेशन वाला है जो हम लोगों ने लास्ट अभी करा है, आप बिल्कुल उसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, है ना, दोनों एक्स और वाई वाला। नाउ दूसरा मैं बता रहा हूं कि आप इस सिमेट्री को यूज करिए। क्या अगर आप इसको लिखते हैं तो चलिए जितना ये है इतना ही मैं इधर कंसिडर कर ले रहा हूं। हाँ, तो अगर ये दोनों का मिला के लिखेंगे, हाँ, तो आप ध्यान दीजिए, ये वन और ये, चलिए मैं इसको बोलता हूं टू, ये वन है और ये टू है, तो आप ध्यान ये देना है कि वन की वजह से भी इधर होता और हाँ टू की वजह से भी इधर होगा। हाँ, और आप ये भी बोल सकते हो कि सिमेट्री से कि ये दोनों जो होंगे वो होने क्या चाहिए, बराबर, बिल्कुल जैसा ये लोकेशन इसके लिए है, हाँ, जो भी व्हाइट है और जो येलो वाला है वो दोनों के लिए है। हाँ, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल ये E2 जो है आपका इधर, हाँ, तो ये इधर है, दोनों आपका बराबर हो गए। नाउ अगर आप देखेंगे तो क्या व्हाइट वाले के लिए जैसा डायमेंशन आपका ये वाला है वैसा ही तो ये वाला भी है। हाँ, सिमिलरली टू वाले के लिए जैसा ये है वैसा ही ये वाला नहीं है। हाँ जी, तो होता यही है क्या कि जो आपका वन और टू, हाँ, अलोंग द डायमीटर आ रहे हैं वो कैंसल हो जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकली तो ये दोनों आइडेंटिकल या बराबर हैं। सिमिलरली जो इनके कंपोनेंट वाई वाला हो रहा है वो जुड़ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि हमें ये पता है, ई वाई बोल लो और सेमी सर्कल का बोल लो, तो ये 2k लैम्डा बाई आर पता है जो कि आपका ई वन और प्लस क्या है ई टू। हाँ जी, तो आप E1 प्लस E2, तो 2E1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, 2K लैम्डा बाई आर, तो E1 जो है वो K लैम्डा बाई आर। ध्यान से क्या अगर आप बात करेंगे कि इसकी वजह से ही तो हमें बताना है। हाँ, तो हमने क्या निकाला कि एक जो है आपका E1 इधर आ गया और ये K लैम्डा बाई आर, तो समझाया था कि जैसा ये डायमेंशन है वैसा ही इधर है, तो ध्यान से इधर भी E1 हो रहा है और K लैम्डा बाई आर, तो जो आप O पर लिखोगे तो वो नेट इतना आएगा। हाँ जी, एंड दिस इज EO, हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो एनीवे अगर आप एक्स वाई में लिखना चाहेंगे, हाँ, तो भी आप बता सकते हैं। ध्यान से
सिमेट्रिकली, जैसा ये वाला है वैसा ही ये वाला है और ये दोनों आएंगे। नाउ जब हम लोग सेमी सर्कल करते हैं तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो सिमेट्रिकली कैंसिल कर देता है और जो परपेंडिकुलर या वाई हम लोग बोल रहे हैं तो वाई वाला ऐड हो जाता है। सो बाय दिस वे ई नॉट जो आएगा हाँ वो इसका और इसका दोनों का आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। सो एंड दिस इंप्लाइज की ई नॉट जो हम लोग लिख रहे हैं वो आप लिखोगे तो के लैम्डा बाई आर हाँ माइनस आई कैप और माइनस जे कैप है, ठीक है ना। बिल्कुल हम लोग एक्स वाई ये मानते ही है, एक्स एंड क्या वाई, तो एक्स वाई के हिसाब से माइनस में हो गया। नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ई नॉट आ रहा है के लैम्डा हाँ वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर अंडर रूट और ये आर भी ना, तो ये बहुत सिंपल है 2k लैम्डा अपॉन आर। हाँ तो न्यूमेरिकली या मैग्नीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं रूट 2k लैम्डा अपॉन आर इज द आंसर एट द सेंटर ऑफ क्वार्टर रिंग। नाउ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो जो हम लोगों ने सेमी सर्कल में करा था कि दोनों कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो दोनों के दोनों आपको जीरो से लेकर पाई बाई टू तक कर देंगे तो भी आपके ये आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। ओके नाउ नेक्स्ट हाँ हम लोग सर्कल का एक और केस है उस पर भी बात करते हैं, है ना।